Students, welcome to the CM English classes. Today we are going to start a new chapter from the book Flamingo. The chapter is Lost Spring by Anish Jung. इस चैप्टर में अनीश जंग उन बेसहारा बच्चों के बारे में बताती है जो किसी कारणवश या मजबूरीवश अपने बचपन को खो देते हैं और उन्हें बाल मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है। इस चैप्टर में वो दो ऐसी स्टोरीज बताती है जिसे हमें पता चलता है कि बाल मजदूर क्या होते हैं और उन्हें किन मजबूरियों में काम करना पड़ता है। द फर्स्ट स्टोरी इज व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूं। यहां आई कौन है, अनीश जंग। हुम आई एनकाउंटर, एनकाउंटर मतलब मुठभेड़ होना, मिलना, जिसे मैं हर रोज मिलती हूं, स्क्राउंगिंग तलाशते हुए, फॉर गोल्ड, यहां गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, मतलब कुछ वेस्टेज चीजें, इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो गंद के ढेर में से कुछ तलाशते हुए देखती हूं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने काफी समय पहले अपना घर छोड़ दिया। सेट एंड डिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि उसका घर ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है उसमें स्थित था। His home is not even a distant memory. जो उसका घर है उसके बारे में उसे जरा भी याद नहीं है। There were many storms, कई तूफान आए, that swept away their fields and homes, जिसने उनके घरों को और खेतों को तबाह कर दिया। His mother tells him, उसकी माता उसे ऐसा बताती है, that's why, यही कारण है, they left, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, looking for gold in the big city where he now lives, और कुछ ढूंढने के लिए, कुछ काम के लिए एक बड़े शहर में आ गए जहां वो अब रहते हैं। I have nothing else to do, he mutters looking away, इधर उधर देखते हुए साहब कहता है, बुड़बुड़ाता है, मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। Go to school, I say glibly, मैं उसे कहती हूँ, बिना विचारे कहती हूँ, तुम स्कूल जाओ। Realizing immediately, उस वक्त महसूस करते हुए, how hollow the advice must sound, कि यह सलाह कितनी खोखली होगी। There is no school in my neighborhood, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। When they build one, जब वो बना देंगे, I'll go, मैं चला जाऊंगा। If I start a school, will you come, I ask half joking, मैंने थोड़ा मजाक करते उससे पूछा, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। Yes, हाँ, he says, वह कहता है, smiling broadly, बड़ी चौड़ी मुस्कुराहट करते हुए। A few days later, कुछ दिनों के बाद, I see him running up to me, मैं उसे अपने पास दौड़ते हुए देखती हूँ। Is your school ready, आते मुझसे वो क्या पूछता है, कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। It takes longer to build a school, कि स्कूल बनने में काफी समय लगता है। I say, मैंने कहा, embarrassed, शर्मिंदा होते हुए, at having made a promise, एक ऐसे वादे के ऊपर शर्मिंदा होते हुए, that was not made, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, but promises like mine, लेकिन मेरे जैसे वादे abound in every corner of his bleak world, उसकी अंधेरी दुनिया में ऐसे कई मेरे जैसे वादे पड़े हुए हैं। After months of knowing him, कई महीनों के बाद उसे जानने के बाद, I ask him his name, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिबे आलम, ही अनाउंसेस, वह कहता है, मेरा नाम साहिबे आलम है। He does not know what it means, वह इसका मतलब नहीं जानता है। If he knew its meaning, यदि वो इसका मतलब जानता होता, मतलब क्या इसका, Lord of the universe, संसार का स्वामी, he would have a hard time believing it, तो उसे इस पर विश्वास बड़ी मुश्किल से होता। Unaware of what his name represents, कि उसके नाम का क्या अर्थ है, इससे अनजान, he roams, roam का मीनिंग होता है भटकना, वह भटकता है, the streets, गलियों में मारे मारे फिरता है, with his friends, अपने मित्रों के साथ, an army of barefoot boys, एक नंगे पांव वाले लड़कों की एक सेना, who appear like the morning birds, जो सुबह के पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं, and disappear at noon, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। Over the months, कई महीनों तक, I have come to recognize
each of them. कई महीनों के बाद अब मैं सबको पहचानना मैंने शुरू कर दिया था, मैं उन्हें पहचानने लगी हूं. Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. वह साधारण रूप से कहता है कि मेरी माँ ने इसे शेल्फ के नीचे नहीं उतारा था. Even if चाहे she did, यदि वो इसे उतार भी देती, he will throw them off. तो वह इसे फेंक देता. As another दूसरा लड़का कहता है, who is wearing shoes, जिसने शूज डाले हुए हैं, they do not match, जो कि आपस में मिलते नहीं हैं. When I comment on it, जब मैं इस पर कुछ कहती हूँ, टिप्पणी करती हूँ, he shuffles his feet, वह अपने पैरों को थोड़ा हिलाता है, and says nothing, और कुछ नहीं कहता है. I want shoes, says a third boy, एक तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए. Who has never owned a pair all his life, जिसे अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूतों की कभी नहीं मिली. Traveling across the country, सारे शहर में घूमते हुए, I have seen, मैंने देखा है, children, बच्चों को, walking barefoot, नंगे पांव चलते हुए, in cities, शहरों में, on village roads, या गांव की सड़कों पर. It is not lack of money, ये कोई धन की कमी नहीं है, but, परंतु, a tradition, ये एक परंपरा बन गया है, to stay barefoot, नंगे पांव रहना. Is one explanation, एक ये परंपरा है. I wonder, मुझे हैरानी होती है, if यदि this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, ये मैं हैरान हुई कि क्या ये लगातार perpetual होता है, लगातार गरीबी की अवस्था में रहने का कोई एक बहाना है. I remember a story, मुझे एक आदमी की कहानी याद आती है, from उदीपी से, once told me, जिसने मुझे बताया, as a young boy, एक युवा लड़के के रूप में, he would go, वह जाया करता था, to school, past an old temple, एक पुराने मंदिर के आगे से, where, जहां his father was a priest, जहां उसका पिता एक पुजारी था, he would stop briefly at the temple, वह टेम्पल के मंदिर के आगे थोड़े समय के लिए रुकता, and pray, और प्रार्थना करता, for a pair of shoes, एक जोड़ी जूतों के लिए. 30 years later, 30 सालों के बाद, I visited his town, मैं उसके शहर गया, and the temple, और मंदिर गया, which was now drowned in the air of desolation, जो कि वीराने की अवस्था में गिरा हुआ था. In the backyard, उसके आंगन में, where lived the new priest, जहां एक नया पुजारी रहता था, there were red and white plastic chairs, वहां red और white plastic की chairs थी. A young boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, एक युवा लड़का जिसने जुराबें और जूते डाले हुए थे, arrived, वहां पहुंचा, painting होता था हाफना, हाफते हुए, and threw his school bag on a folding bed, और folding चारपाई के ऊपर उसने अपना स्कूल का बैग फेंक दिया. Looking at the boy, लड़की की तरफ देखते हुए, I remembered, मुझे याद आई, the prayer, another boy, उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई, the boy had made, जो कि प्रार्थना उसने किससे की थी, to the goddess, उस देवी से की, when he had finally got a pair of shoes, जब उसे एक जोड़ी जूतों की मिल गई. Let me never lose them. और उसने क्या प्रार्थना की थी कि ये जूते मुझसे कभी गुम ना हो. The goddess had granted his prayer. देवी ने उसकी प्रार्थना को मान लिया. Young boys like the son of the priest. पुजारी के बेटे की तरह युवा लड़के now wore shoes. अब जूते डालते थे. But परंतु many others like the rag pickers in my neighborhood. मेरे पड़ोस में उन कूड़ा बीनने वालों की तरह ही रिमेन शूजलेस, वो अभी भी क्या है, बिना जूतों के रहते हैं. माई एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है, पहचान, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, नंगे पांव वाले
कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरी पहचान लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी लेकर जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, सीमापुरी एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली की सीमा पर है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी इससे कोसों दूर है। मेटाफोरिकली, रूपक अलंकारिक रूप से, इट मीन्स कि दिल्ली इज अ डेवलप्ड सिटी, दिल्ली एक विकसित शहर है, लेकिन जो सीमापुरी है जो कि उसकी सीमा पर है दिल्ली की, वहां इतना विकास नहीं है। दोज वो हु लिव हेयर, जो यहां रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वो अनाधिकृत, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वहां रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, बैक इन 1971, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, सीमापुरी उस समय एक वीरान स्थान था। वाइल्डनेस क्या होता है? वीरान। इट स्टिल इज, ये अभी वीरान है, बट परंतु इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अब ज्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए ढांचों में, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरप्लेन, जो कि टिन और टेरप्लेन की छतें हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, डिवाइड ऑफ का मतलब वंचित, जहां सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, और रनिंग वाटर, न ही बहते हुए पानी की व्यवस्था है वहां। लिव 10,000 रेड पीकर्स, वहां लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, लगभग 30 सालों से बिना किसी पहचान के वो यहां पर रहते हैं। विदाउट परमिट्स, उनके पास कोई परमिट नहीं है, बट विद कार्ड्स, परंतु उनके पास राशन कार्ड्स हैं, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर, जिनके कारण वोटर लिस्ट में उनका नाम है, एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और ये राशन कार्ड उन्हें अनाज खरीदने के काबिल बनाता है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, उनके लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इफ, यदि एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवारों को कुछ खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, वो सो सकते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टमक, बिना पेट में दर्द लिए, वी वुड रेदर लिव हेयर, हम यहां रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देते थे। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ऐसा कौन कहता है? एक औरतों का समूह कहता है, इन टैटेड साड़ी, जिनकी साड़ी है वो फटी पुरानी है। When I ask them, जब मैं उनसे पूछती हूँ, why, कि क्यों, they left their beautiful land of green fields and rivers, कि उन्होंने अपने सुंदर हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ा, तब मुझे इसका उत्तर मिलता है। Wherever they find food, वो क्या कहते हैं, जहां भी उन्हें भोजन मिलता है, they pitch their tents, वो अपने टेंट को गाड़ देते हैं, that become transit home, जो कि उनका अस्थायी रूप से घर बन जाते हैं। Children grow up in them, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, becoming partners in survival, जीवन में उनके भागीदार बनते हुए। And survival in सीमापुरी, सीमापुरी में जीने का मतलब क्या होता है? Means rag picking, कूड़ा बीनना। Through the years, कई सालों से, it has acquired the proportions of a fine art, सीमापुरी ने एक बड़ी अजीब, बड़ी अच्छी ललित कला का रूप ले लिया है। Garbage to them is gold, उनके लिए garbage का मतलब होता है गंद, कूड़ा, कूड़े का मतलब उनके लिए सोना होता है। It is because, क्योंकि, it is their daily bread, क्योंकि उनकी ये रोज की रोटी है। A roof, एक छत है, over their heads, उनके सिरों पर। Even if चाहे, it is a leaking roof, चाहे ये leak होने वाली छत है, but परंतु फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, बच्चे के लिए यह कुछ ज्यादा ही है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, मुझे कई बार एक रुपया मिलता है। इवन ए 10 रुपी नोट, मुझे 10 रुपए का नोट भी मिलता है। साहिब सेज, साहिब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, आंखें उसकी चमकती हुई। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, क्या तुम्हें
जब तुम्हें एक गंद के ढेर में कोई चांदी का सिक्का मिलता है, यू डोंट स्टॉप स्ट्रगलिंग, तो तुम तलाशना छोड़ नहीं देते हो। फॉर देयर इसलिए नहीं छोड़ता हूं क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उसे और ज्यादा मिलने की संभावना होती है, आशा होती है। इट सीम्स ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रन कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट, बच्चों के लिए इस गंद का ढेर का मतलब अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए इट इज रैप्ड, यह लिपटा हुआ होता है इन वंडर हैरानी में। फॉर द एल्डर्स जबकि बड़ों के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह एक जीवन का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब मैं साहिब को देखती हूँ स्टैंडिंग खड़े हुए बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास की क्लब के एक कांटेदार झाड़ियों कांटेदार बाड़ के गेट के पास खड़े हुए देखती हूँ, वाचिंग देखते हुए। टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, साहिब क्या कर रहा होता है कि दो युवा आदमियों को देख रहा होता है जिनने सफेद यूनिफॉर्म डाल रखी होती है, प्लेइंग टेनिस, और वो क्या खेल रहे होते हैं, टेनिस खेल रहे होते हैं। आई लाइक द गेम, मुझे यह खेल पसंद है, ही हम्स वैसे ही लगता है, कंटेंट लेकिन संतुष्ट है। टू वॉच देखकर, इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस बाड़ के बाहर देखते हुए, इसको देखकर ही वो संतुष्ट हो जाता है। आई गो इनसाइड मैं अंदर जाता हूं, व्हेन नो वन इज अराउंड जब कोई भी आसपास नहीं होता, ही एडमिट्स वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर मुझे झूले का प्रयोग करने की इजाजत देता है। साहिब टू इज वीरिंग टेनिस शूज, साहिब ने टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि उसकी बदरंग कमीज और निक्कर के साथ बिल्कुल अजीब लगते हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे वे दिए थे। ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह सफाई देने के विचार में कहता है। द फैक्ट द बात ये है दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, डिस्कार्डेड मीन थ्रोन ऑफ सम रिच बॉय, ये किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, जिसने शायद इसलिए इसे पहनने के लिए इनकार कर दिया था कि उनमें से एक जूते में एक सुराख था। Doesn't bother him, ये उसे परेशान नहीं करता। For one, एक ऐसे लड़के के लिए who has walked barefoot, जो कि हमेशा नंगे पांव चलता था। Even shoes, ऐसे जूते with a hole, जिसमें एक सुराख भी हो, इज अ ड्रीम कम ट्रू, जो तो वो क्या उसके एक सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि उसे एक जूता की जोड़ी मिल गई थी। बट परंतु द गेम, वो खेल, ही इज वॉचिंग, जिसको वो देख रहा है, सो इंटेंटली, बड़े ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, जो कि उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, साहिब दूध की दुकान की तरफ जा रहा है। In his hand, उसके हाथ में is a steel canister, एक स्टील का एक केतली है। I now work in a tea stall down the road, he says pointing in a distance, थोड़ी दूर में इशारा करते हुए कहता है कि मैं उस सड़क के उस ओर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। I am paid 800 rupees and all my meals, मुझे 800 रुपए और पूरा भोजन मिलता है। Does he like his job? I ask, मैं उससे पूछती हूँ क्या तुम्हें अपनी नौकरी पसंद है? His face, तो क्या होता है? उसका चेहरा, I see, जो मैं देखती हूँ, has lost the carefree look, बेफिक्री की जो भाव था उसके चेहरे से वो गायब था। The steel canister, स्टील की केतली, seems heavier, वो भारी प्रतीत होती है, than the plastic bag, उस प्लास्टिक के थैले से, ही वुड कैरी, जिसे वह उठाया करता था सो लाइटली, इतने हल्के रूप से, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर। द बैग वॉज हिज, ऐसा इसलिए क्योंकि बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर, जो केतली थी,
belongs to the man, उस आदमी की थी who owns the tea shop, जो कि उस चाय की दुकान का मालिक है. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था. Well students, the first part of this chapter now has been completed. Now we will meet in our next video with the second part of this chapter. तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें. जय हिंद.